process on loan documentation. So let us start. First introduction, loan document hota kya? Friends, loan document borrower और banks के बीच का एक written record है जिसमें कि दोनों पक्षों मतलब banks और borrower की right और responsibility उसका जिक्र किया हुआ रहता है. Document are the written record of the guarantee reached by the bank and the borrower that spell out the right and responsibility of both parties to the loan. Next friend, why loan documents are important? Loan documents की जरूरत क्यों होती है? पहला है evidence of loan availed by borrower. Borrower ने bank से loan लिया, bank से loan लिया, उसका एक evidence लोन डॉक्यूमेंट ही होता है इसमें, जिससे वो हम लोग बता सकते हैं कि जो इस लोन्स का बॉरोवर कौन है इसमें. सेकेंड है टू आइडेंटिफाई द बॉरोवर, को बॉरोवर एंड द गारंटर. फ्रेंड्स, लोन डॉक्यूमेंट को देख के ही हम लोग ये बता सकते हैं कि उस लोन्स का बॉरोवर कौन है, को बॉरोवर कौन है और गारंटर कौन है इसमें. नेक्स्ट है टू फिक्स द टर्म एंड कंडीशन. फ्रेंड्स, जनरली ऐसा होता है कि बॉरोवर ने लोन लिया है, समटाइम्स वो ये बोलता है कि हमने जब लोन लिया था उस समय का टर्म कंडीशन या रेट ऑफ इंटरेस्ट या ईएमआई और अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ईएमआई ये चेंज हो गया है. इस चीज को बताने के लिए ही लोन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. टू आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी चार्ज टू द बैंक. फ्रेंड्स, लोन जब हम लोग देते हैं तो बॉरोवर से कुछ सिक्योरिटी लेते हैं, वो सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए. कहने का मतलब क्या है कि जब हम इंश्योरेंस करेंगे इसमें या जब लोन एनपीए होगा और रिकवरी के लिए जब जाएंगे तो उस सिक्योरिटी का आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इस चीज के लिए लोन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है और उसमें सिक्योरिटी के बारे में जिक्र किया जाता है. आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज. कौन सा सिक्योरिटीज किस नेचर में लिया गया है, कहने का मतलब कि सिक्योरिटीज हाइपोथेकेशन मोड में है या प्लेस किया गया है इसमें या मॉर्गेज किया गया है, इसकी जानकारी भी हमें लोन डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट देख के ही मिलती है इसमें. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टू एस्टैब्लिश बॉरोवर लायबिलिटी इन अ कोर्ट. फ्रेंड्स, जब लोन एनपीए होता है या जब लोन एनपीए होने के बाद जब हम लोग सूट फाइल करते हैं कोर्ट में, उस समय बॉरोवर की लायबिलिटी एस्टैब्लिश्ड उस लोन डॉक्यूमेंट को लोन डॉक्यूमेंट से ही हम लोग बॉरोवर की लायबिलिटी एस्टैब्लिश्ड करते हैं. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टाइप ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स. लोन डॉक्यूमेंट्स कितने तरह का होता है इसमें. जनरली फ्रेंड्स, लोन डॉक्यूमेंट्स हम लोग जो बैंक में यूज करते हैं वो दो तरह का होता है. पहला पर्सनल लायबिलिटी डॉक्यूमेंट और दूसरा चार्ज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट. पर्सनल लायबिलिटी डॉक्यूमेंट में डीपी नोट्स, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी, लेटर ऑफ गारंटी, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो पर्सनल लायबिलिटी डॉक्यूमेंट में लेते हैं. दूसरा है चार्ज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट का चार्ज बैंक के फेवर में क्रिएट किया गया है उसे चार्ज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट हम लोग कहेंगे. उसमें एग्जांपल है हाइपोथेकेशन, एग्रीमेंट ऑफ प्लेस, डेट ऑफ मॉर्गेज, लेटर ऑफ लियन एंड सेट ऑफ राइट ऑफ. नेक्स्ट है फ्रेंड, सिलेक्शन ऑफ लोन डॉक्यूमेंट. एक चीज ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, किसी भी लोन डॉक्यूमेंट का एक यूनिक सेट नहीं होता है. कस्टमर, बॉरोवर, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं. टाइप ऑफ बॉरोवर में इंडिविजुअल बॉरोवर्स के लिए लोन डॉक्यूमेंट हम लोग अलग यूज करेंगे. सोल प्रोप्राइटरी के लिए लोन डॉक्यूमेंटेशन अलग होगा इसमें. पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लोन डॉक्यूमेंट अलग होगा और लिमिटेड कंपनी के लिए लोन डॉक्यूमेंट अलग होगा. उसी तरह टाइप ऑफ एडवांस के अकॉर्डिंग भी लोन डॉक्यूमेंट अलग होता है. सीसी नेचर का कोई एडवांस है तो उसमें लोन डॉक्यूमेंट अलग होंगे. इसमें टर्म लोन में लोन डॉक्यूमेंट अलग होंगे और ओवरड्राफ्ट में लोन डॉक्यूमेंट अलग होंगे. सीसी नेचर कहने का मतलब क्या कि डीपी नोट्स के अलावा लेटर ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग सीसी लोन्स में लेंगे. टर्म लोन में जनरली लेटर ऑफ कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं होती है. उसी तरह नेचर ऑफ सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग भी लोन डॉक्यूमेंट वेरी करते हैं.
मूवेबल सिक्योरिटीज हैं तो उसकी डॉक्यूमेंट अलग होंगे, इमूवेबल सिक्योरिटी है तो उसकी डॉक्यूमेंट अलग होंगे, और स्टॉक है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन अलग होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।